Assalamu alaikum. In this video, I will be giving updates regarding the medical seats of HEC for Balochistan and ex-FATA. देखिए, first good news तो ये है कि आपकी seats 500 for each कर दी गई है, मतलब overall 1000 seats है. उसमें फिर 90% इन कोटा के लिए है और 10% जो है आउट कोटा के लिए है. Now these are frequently asked questions. अगर आप इंटरमीडिएट रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, सो देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर HEC स्कॉलरशिप्स. सेकंड इज़ दैट अगर आपका डोमिसाइल आउट ऑफ बलूचिस्तान या एक्स फाटा डिस्ट्रिक्ट से, यू कैन नॉट अप्लाई. थर्ड इज़ दैट कि इन और आउट का क्या सीन है. देखिए, इन वो है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी FSC बलूचिस्तान या एक्स फाटा के जो डिस्ट्रिक्ट से उसी के बोर्ड से की हो, वो इनमें काउंट होते हैं. जिन्होंने अपनी FSC बलूचिस्तान या एक्स फाटा के डिस्ट्रिक्ट्स के जो बोर्ड्स हैं उनसे नहीं की है, लाइक उन्होंने फेडरल बोर्ड से की है, पंजाब से की है, सिंध से की है, या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो बोर्ड हैं उनसे FSC की हैं, दे आर कंसिडर्ड एज आउट. फिर उसमें देखे बलूचिस्तान और एक्स फाटा के लिए 500 सीट्स है हर एक के लिए, तो उसमें 450 सीट्स इन कैटेगरी के लिए हैं और 50 सीट्स जो है वो आउट कैटेगरी के लिए है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने ऑलरेडी MCAT दिया हो या उसमें आप फेल हो चुके हो या आप अपेयर ना हुए हो, डज नॉट मैटर. यू कैन अप्लाई फॉर HEC वेदर आपका MCAT पास है या फेल है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए लास्ट ईयर भी यही था. लास्ट ईयर सिर्फ 22 ईयर्स ओल्ड के आप होने चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर आपकी एज उससे ज़्यादा है, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर HEC स्कॉलरशिप. उसके बाद ये है कि वैलिड डोमिसाइल बलूचिस्तान या फाटा का होना मस्ट है. सेकेंड थिंग इज़ दैट के FSC में आपका 60% होना मस्ट है, स्कोर 60% मार्क्स मस्ट हैं. और अगर आप ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, दिस मींस यू कैन नॉट अप्लाई फॉर HEC स्कॉलरशिप जो कि मेडिकल सीट्स है फॉर बलूचिस्तान एंड एक्स फाटा. अपार्ट फ्रॉम दिस, सिलेबस अभी तक ऑफिशियली नहीं आया, बट जो लास्ट ईयर का सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. आई एम ब्रिंगिंग इट ऑन माई स्क्रीन, यू कैन चेक इट. इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, लेकिन देखिए बात यह है कि PMDC क्राइटेरिया फॉलो होगा. सो मे बी HEC MCAT के लिए डिफरेंट सिलेबस अपलोड करें, लेकिन अभी तक ऑफिशियली अपलोड नहीं किया है. देन जो फ्रीक्वेंटली आस क्वेश्चन है, लोग मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं कि सर टेस्ट कब होगा. टेस्ट होगा डेफिनेटली नवंबर में, या नवंबर के लास्ट वीक में होगा या दिसंबर में होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी इस तरह हुआ था. दे विल गिव यू एटलीस्ट 1 month और 40 days फॉर प्रिपरेशन, और सिलेबस सून ही इंशाल्लाह अक्टूबर में आएगा, इट विल बी रिवील्ड. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं, लेट मी नो एंड फोकस ऑन योर प्रोविंशियल बुक्स.